हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी प्रिपरेशन बिकम स्मार्ट सक्सेसफुल चैंपियन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है हमें टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जिनके रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट इट इज ओ। जो रेड कलर का सर्कल है इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, ये छोटा सर्कल है। और जो ये हमारे पास बाहर पर्पल कलर का सर्कल है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल्स आ गए हमारे पास, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। हम कोर्ड बनाते हैं लार्जर सर्कल की, लार्जर सर्कल की कोर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अभी हम ये देखिए, हमने कोर्ड ड्रा कर ली, ये कोर्ड है लार्जर सर्कल की, ये कोर्ड है। कोर्ड वो लाइन होती है जो सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट्स के ऊपर टच करती है। तो ये सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट्स के ऊपर टच कर रही है, तो ये ग्रीन कलर की कोर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल को भी टच कर रही है। और ये कोर्ड है किसकी, ये लार्जर सर्कल की कोर्ड है। कर लिए, इस कोर्ड का नाम हम रख लेते हैं ए बी। तो सबसे पहले हमें गिवन किया है, हमें गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ और टू रेडियाई। अब एक सर्कल का रेडियाई 3 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियाई 5 सेंटीमीटर। लेट ए बी बी द लेंथ ऑफ द कोर्ड, ए बी क्या हो गई हमारे पास लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। बट ए बी इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, लेकिन जो ए बी है ये सर्कल जो रेड वाला सर्कल है स्मॉलर सर्कल है, इसको इसको एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ टच कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। रेडियस इस और इस दोनों लाइन को हम मिला दें तो ये क्या बन गया, ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बन गया। और ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल हमारा कितना, रेड वाला सर्कल 3 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है जो ये नीचे वाली लाइन है ए बी, इट इज़ टेंजेंट टू दिस रेड सर्कल। इट मीन्स जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब अगर मैं इन दो लाइंस को ज्वाइन करूँ, ओ ए को ज्वाइन करूँ, तो ओ ए क्या बन रहा है, ओ ए हमारा रेडियस है बाहर वाले सर्कल का। तो जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर हो गया। हमें फाइंड आउट करनी है दिस लेंथ ऑफ कोर्ड ए बी। आप इस वाले डिस्टेंस को भी मिला लीजिए, यहाँ भी एक ट्राइंगल बन गई। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल जो रेड वाली ट्राइंगल है और जो ये वाइट वाली ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी बी, ट्राइंगल ओ पी बी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आप देखें तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये क्या है कॉमन है। इसी तरह से ओ ए, ओ ए और ओ बी, ओ बी ये भी क्या है, ये भी सेम है क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है जो बड़ा वाला सर्कल है बाहर, और ओ बी भी क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है। तो ये दोनों क्या हैं, ये हैं रेडियाई ऑफ द सर्कल्स और दोनों सेम हैं। अब हमें यहाँ पर लगती है आर एच एस, आर एच एस के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाई आर एच एस। इट मीन्स जो हमारे पास डिस्टेंस है दिस ए पी और पी बी, डिस्टेंस ए पी और पी बी और पी बी, ये दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, हम लिख सकते हैं इक्वल बाई सी पी सी टी। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी, हाइपोटनस स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। हाइपोटनस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटनस इज ओ ए, ओ ए स्क्वेयर, बेस कितना है ए पी, ए पी स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर कितना है ओ पी, ओ पी स्क्वेयर। ओ ए स्क्वेयर की वैल्यू, हाइपोटनस की वैल्यू 5, ए पी, ए पी हमें फाइंड आउट करना है तो ए पी स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस ओ पी परपेंडिकुलर 3 स्क्वेयर, 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर प्लस 3 3 ज़ा 9। और यहाँ क्या हो गया, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर, 9 इधर आकर नेगेटिव और ये बचा 16, 16 इज इक्वल टू ए पी स्क्वेयर। अब 16 स्क्वेयर हटाएंगे तो इसका स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो हमारे पास ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 का अंडर रूट जो कि होता है 4। तो हमारे पास ए पी क्या है, ए पी हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर।
लेकिन हमें पता है कि ए पी और पी बी क्या है इक्वल, हमें फाइंड आउट करना था ए बी लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कितनी हो गई, ये हो जाएगी ए पी हमारे पास 4 आ गई, और जो हमारे पास ए पी और पी बी दोनों क्या है इक्वल हैं, सिंस ए पी इज इक्वल टू पी बी दोनों इक्वल है, अगर ये डिस्टेंस 4 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 4 ही होगा, तो टोटल डिस्टेंस ए बी कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास ए पी प्लस पी बी, पी बी दोनों को प्लस कर दो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो जो कोड हमारे से पूछी है ए बी कोड कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ द आंसर। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें, और क्लास 10th के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।